हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रचना रसोई रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ककोड़े की सब्जी। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये हमने ककोड़े को काट लिया है, राउंड राउंड शेप में हमने काटा है। आप कोई भी शेप में काट सकते हैं, पतला पतला काट लिया है क्योंकि इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमने पतला ही काटा है। हमारे यूपी में इसको ठेक्सा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बताइएगा। और यहाँ पर हमने लहसुन को कूट कर ले लिया है, और यहाँ प्याज को हमने लंबे लंबे में काट लिया है। आप लंबे लंबे में ही आपको काटना है, पतले पतले और लंबे लंबे टुकड़ों में काटना है। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे 1 टेबल स्पून। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे राई, तड़कने देंगे थोड़ा सा राई को। फिर हम ये लहसुन डाल देते हैं कूटा हुआ, और प्याज भी डाल देंगे, और इसको 1 मिनट तक हम भून लेंगे प्याज को। तो प्याज को हमने 1 मिनट तक भून लिया है। अब ये ककोड़ा भी डाल देते हैं हम इसमें। और इसको मिला लेंगे प्याज में अच्छे से। अभी हम मसाले नहीं डाल रहे हैं, मसालों को हम बाद में डालेंगे। तो ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है। बरसात के मौसम की ये खास सब्जी है, आप ज़रूर से इसको ट्राई कीजिएगा। आप इसको रोटी, पराठे और दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी सब्जी लगता है खाने में। अब इसमें हम नमक डालेंगे, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब इसको, नमक को हम सब्जी में अच्छे से मिला लेंगे, और ढक कर 3 से 4 मिनट तक हम पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो ढक देते हैं और मीडियम फ्लेम पे 4 मिनट तक पका लेते हैं। तो ये 4 मिनट तक पक चुका है, इसमें हम अब डालेंगे हल्दी पाउडर, और डालेंगे 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, और कलर अच्छा आने के लिए लाल मिर्च का पाउडर। बस इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। अब इसको भी हम 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे ढक करके। इसके बाद हम इसमें आमचूर पाउडर मिलाएंगे सबसे लास्ट में। तो फ्रेंड्स, ये सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, और सबसे लास्ट में हम डाल देंगे आमचूर पाउडर। आप इसकी जगह इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। तो ये सब्जी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे को बताइएगा कि कैसी लगी ककोड़े की सब्जी की रेसिपी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।